हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इसरो का चांद पर एक ऐतिहासिक मिशन जो कि कामयाब रहा, लेकिन अब इसरो ने सूर्य की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया है। सूर्य पर कदम नहीं रखेगा बल्कि अंतरिक्ष यात्रा करके सूर्य से जुड़ी कई जानकारियां हम तक पहुंचाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने सूर्य मिशन के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया है। सूर्य से जुड़ी और ऐसी जानकारियां जो हमें शायद नहीं पता, आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। बता दें कि इससे पूर्व सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इस मिशन के जरिए इसरो को सूर्य की परतों और कण की गतिशीलता का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। इससे वास्तविक समय और सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसका व्यास करीब 13,90,000 किलोमीटर माना जाता है। ये मिशन सूर्य के तापमान के बारे में सटीक जानकारी देने में मदद करेगा। उम्मीद है कि आदित्य L1 पेलोड के सूट कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री प्लेयर और प्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार आज की समस्या को समझने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। विज्ञान के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। L1 बिंदु से सूर्य का अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्रों को निर्बाध रूप से देखा जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर सूर्य के केंद्र का तापमान 150,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। जानकारी के अनुसार 5 अरब साल बाद सूर्य की मौत हो जाएगी। इससे पहले सूर्य बेहद गर्म और अधिक चमकदार हो जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। दरअसल उगते हुए सूर्य से हजारों किरणें निकलती होती हैं, जिसमें 7 किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। इसलिए हिंदू धर्म में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्ययान मिशन को लैग्रेंजियन 5 मिलियन, जहाँ पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, यानी कि बिंदु एक पर भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु एक के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी के लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभा मंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियां हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। आपका स्वागत है। थैंक यू दोस्तों।